हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। गाइस, आज की क्लास में हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी का इकोनोमेट्रिक्स का 2000 फॉर द ईयर 2022 का पेपर का डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं। आई होप काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पेपर पहले खुद ट्राई किया और उनके काफ़ी ज़्यादा डाउट्स हों जो कि आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी स्पेशली अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले बच्चे इसको देख रहे हैं या और भी किसी यूनिवर्सिटी वाले बच्चे इसको देख रहे हैं, जैसे मैं क्वेश्चन पेपर आपके सामने रखूँ, वैसे आप ऐसा करोगे तो नहीं, बट प्लीज़ करने की कोशिश करना, वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन देखना, अपने आप आंसर करना, फिर वीडियो चलाना, देखना मैंने सही किया है नहीं किया, ठीक है, फाइन। अगर आपने इकोनोमेट्रिक्स का पूरा कंटेंट पढ़ा हुआ है अच्छे से, गुजराती जो रीडिंग है आपकी वो पढ़ी हुई है अच्छे से, एटलीस्ट सिंपल लीनियर, मल्टीपल लीनियर, फंक्शनल फॉर्म, डमी वेरिएबल, ऑटो कोरिलेशन, हेट्रोस्केडेसिटी, मल्टी कोर्डिनैरिटी, स्पेसिफिकेशन बायसनेस, ये जो बेसिक इकोनोमेट्रिक्स के कोर टॉपिक्स होते हैं, अगर आपने ये पढ़े हुए हैं तो आप इस पेपर को अटेम्प्ट करने लायक हैं, है आप में पोटेंशियल, यस, ठीक है। सो मैं आप लोगों के आगे पेपर रख रहा हूँ, दिस इज़ दी पेपर वी हैव। किसी एक स्टूडेंट का पेपर है तो उसने अपने एंड पे ट्रू फॉल्स वगैरह लिखे हुए हैं, तो अभी हम उसको ना जज करते हुए, ठीक है, अपने हिसाब से करेंगे, फाइन, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, प्लीज ओनली राइटिंग ट्रू एंड फॉल्स विल नॉट गिव यू मार्क्स। सिर्फ सच या झूठ लिखने से आप लोगों को नंबर नहीं मिलेंगे, यू नीड टू एक्सप्लेन वाई सच वाई झूठ, ठीक है, फाइन। सो पहला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला पार्ट बोला है, इन अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल आर स्क्वायर, जिसको आप सारे बच्चे जानते हैं, एक और नाम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, इन वैल्यू इज इनवेरिएंट टू द चेंज इन द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट एज इट इज डायमेंशनलेस। ओके, क्या आर स्क्वायर डायमेंशनलेस होता है? जैसे मैं देखो, बीइंग अ टीचर मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको करने में, बट स्टिल सपोज करो अगर x और y है, मान लो x केजी में है, y ग्राम में है, या x सेंटीमीटर में है, y मीटर में है, या दोनों सेंटीमीटर में है, ठीक है, जो भी इनकी यूनिट्स चल रही हैं, फाइन। आर स्क्वायर जो आता है ना वो सेंटीमीटर में आता है, ना वो मीटर में आता है, ना वो केजी में आता है, किसी में नहीं आता, वो डायमेंशनलेस ही होता है। आर स्क्वायर इज डायमेंशनलेस, पहली बात। आर स्क्वायर डायमेंशनलेस होता है, बट अगर मैं पहले केजी और ग्राम, इसके बीच का आर स्क्वायर निकाला मैंने, अगर केजी को ग्राम में कन्वर्ट करके फिर से आर स्क्वायर निकालू तो कोई फर्क पड़ेगा? आंसर इज नो, बिकॉज आर स्क्वायर इज इंडिपेंडेंट From change of origin as well as change of scale. तो ये स्टेटमेंट मेरे पास एकदम ट्रू है, जो इस भाई साहब ने बोला है वो एकदम सच है, बिकॉज आर स्क्वायर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। ओके, क्लियर। सो पहला ऑप्शन ट्रू है, फाइन, फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। सेकंड पे आते हैं, एन एडिशन ऑफ अ वेरिएबल इन रिग्रेशन मॉडल, अगर रिग्रेशन मॉडल में एक नया बेसिकली वेरिएबल डाल दिया गया, ठीक है जी, आपको पता है कि नया एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल डाल दिया गया जिसमें 30 ऑब्जर्वेशन एंड 4 वेरिएबल हैं, एन एडिशन ऑफ द वेरिएबल इन रिग्रेशन मॉडल विद 30 ऑब्जर्वेशन एंड 4 वेरिएबल वुड ऑलवेज लीड टू राइज इन आर स्क्वायर। आप सबको बचाए, अगर मैं मॉडल में नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल बढ़ाता हूं, अगर मैं मॉडल में नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल बढ़ाता हूं तो आर स्क्वायर तो बढ़ेगा। कहता भाई साहब एडजस्टेड आर स्क्वायर भी बढ़ेगा, गिवन दैट एडिशनल वेरिएबल इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट different from zero at 20% level of significance. देखो क्या कह रहे हैं, सेकेंड में मान लो n 30 है और with 4 observation and 4 variables, ठीक है, तो 4 variables हैं, एक वुड लीड टू हाई राइस, मतलब अगर आप एक और एडिशनल वेरिएबल डालोगे
इन 30 ऑब्जर्वेशन एंड 4 वेरिएबल के साथ तो आर स्क्वायर बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। आर स्क्वायर बढ़ना तो वाजिब है। एडजस्टेड आर स्क्वायर बढ़ेगा? नहीं, कंफर्म नहीं है। कब बढ़ेगा? कहता है गिवन दैट, एक सेकेंड गाइस, गिवन दैट, एक मिनट, गिवन दैट द एडिशनल वेरिएबल स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंट फ्रॉम जीरो एट अल्फा इक्वल टू 20% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मतलब मान लो आपने एक नया वेरिएबल ऐड किया, फिफ्थ वेरिएबल ऐड किया, मैं आपको समझा रहा हूं, आप एक्सप्लेनेशन बता दो कैसे लिखने में। फिफ्थ वेरिएबल ऐड किया, आपने इसकी टेस्टिंग की, बीटा 5 है मान लो इसका पैरामीटर, और एच नॉट रिजेक्ट हो गया, तो इसका मतलब क्या है, जो नया वेरिएबल x5 डाला, जो नया वेरिएबल x5 डाला उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पैरामीटर बीटा 5 लिया, अगर उसकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिजेक्ट हो रही है, इट मींस वो सिग्निफिकेंट आ रही है, इसका मतलब उसको लेना चाहिए। बट एडजस्टेड आर स्क्वायर के लिए उसकी सिग्निफिकेंसी का एक लेवल होता है। क्या होता है वो लेवल? रिजेक्ट कब करेंगे? व्हेन मॉड टी इज ग्रेटर देन 1। रिमेंबर, इस केस में मॉड टी वाला केस लेते थे हम लोग, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो इन्होंने अल्फा 20% अपने आप ही बढ़ा दिया। मैंने जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं, मैंने उन्हें सिखाया अच्छे से, भाई साहब एडजस्टेड आर स्क्वायर के लिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को क्या करना पड़ता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो रिजेक्शन रीजन होता है, तो यहां पे ऑटोमेटिकली 20% आ रहा है। 20% पे पता है, अगर ये टी वैल्यूज तुम चेक करोगे ना, यहां 10 और यहां 10, सो टी 0.10, और सपोज करो सम 30-4 या 30-5, जो भी 26-25, जिस भी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखोगे, ये वैल्यू ना 1.3 समथिंग आएगी। और अगर एच नॉट रिजेक्ट हो रहा है, तो रिजेक्ट होने का मतलब है जो टेस्ट एट्स वैल्यू है वो इधर कहीं लाई कर रही होगी, और टेस्ट एट्स वैल्यू इधर कहीं लाई करने का मतलब है कि मॉड टी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, एंड मॉड टी वैल्यू ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, एडजस्टेड आर स्क्वायर बढ़ेगा। तो आप लोग इसकी ऐसी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, पहली बात तो ये ट्रू है कि फॉर एडिंग एन एडिशनल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल मॉडल विल डेफिनेटली राइज द आर स्क्वायर, बट फॉर एडजस्टेड आर स्क्वायर मॉड टी वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। आप ये लिख सकते हैं कॉरेस्पॉन्ड टू दिस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मॉड टी वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, correspond to this level of significance mod t value is greater than 1, hence adjusted r square will also rise। ठीक है, fine। recording देख रहे हो तो ये फायदा है, मैं लिख नहीं रहा, तो if you guys are listening to me तो आपको समझ में आ रहा होगा what you need to write। ठीक है, बाकी मेरा इस तरीके से समझाने का मतलब यही है कि आपको पुरानी चीजें याद आती रहे अच्छे से। ओके, फाइन, आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड क्या बोल रहा है बच्चों? थर्ड कह रहा है इन द रिग्रेशन इन्वॉल्विंग स्टैंडर्डाइज वेरिएबल द इंटरसेप्ट टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू 0। स्टैंडर्डाइज वेरिएबल, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्डाइज वेरिएबल? सपोज करो जी स्टैंडर्डाइज वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं, सपोज करो वाई आई स्टार और एक्स आई स्टार अगर स्टैंडर्डाइज वेरिएबल है, तो इसमें इसमें से इसका मीन माइनस करना है और स्टैंडर्ड डिविजन से डिवाइड करना है, इसमें से इसका मीन माइनस करना है, स्टैंडर्ड डिविजन से डिवाइड करना है। अब अगर आप वाई आई स्टार ऑन एक्स आई स्टार लेके मॉडल बनाओगे, ठीक है, तो क्या बनेगा? वाई आई स्टार इज इक्वल टू सम बीटा 1 स्टार प्लस बीटा 2 स्टार एक्स आई स्टार प्लस सम म्यू आई। ठीक है, अगर आप इस बीटा 1 हैट स्टार की वैल्यू निकालना चाहो, सो कायदे से अगर तुम्हें याद हो OLS के थ्रू बीटा 1 हैट स्टार क्या होगा? y बार स्टार माइनस में बीटा 2 हैट स्टार इनटू में x बार स्टार। ठीक है, इफ यू विल फाइंड y बार स्टार हेयर, ठीक है, तो y बार हो जाएगा माइनस y बार हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो y बार स्टार भी 0 आएगा और x बार स्टार भी 0 आएगा, तो इन दोनों के 0 आने का मतलब है इंटरसेप्ट टर्म 0 हो जाएगी। यही ये बोलना चाह रहा था कि जो इंटरसेप्ट टर्म है वो ऑलवेज 0 होगी, तो ये भी हमारे पास ट्रू है। क्लियर, दिस इज ऑल्सो ट्रू। आई होप क्लियर हो गए होंगे पहले तीन। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अभी तक सब ट्रू हो रहे हैं, कोई फॉल्स भी होने का चांस है? ठीक है, किसी स्टूडेंट ने लिखा उस पर मत जाओ यार, ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो प्लीज फॉलो करो। फोर्थ पार्ट में बोल रहा है आपको द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन यू इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड वी इक्वल टू माइनस 4y प्लस 5 इज सेम एज द बिटवीन x एंड y। ये मैं थोड़ा डिटेलिंग में करके बताऊंगा आपको, ठीक है,
तीन नंबर का सवाल है तो थोड़ा प्लीज डायरेक्टली प्रॉपर्टी मत लिखना, 3x + 2 - 4y + 5। ओके फाइन फाइन फाइन। देखिए फोर्थ, u = 3x + 2 एंड v = -4x + 5। चेक करो, 3x + 2 - 4y + 5, सॉरी -4y + 5। ओके देखें, ओके आपको बोला है ये चेक करना है, कोरिलेशन बिटवीन एक्स वाई इज इक्वल टू कोरिलेशन बिटवीन यूवी क्वेश्चन मार्क। फाइन, दिस वी नीड टू चेक। सो फॉर चेकिंग दिस मैंने क्या किया, मैंने पहले आर ऑफ एक्स वाई लिखा गाइस, जो आप सबको पता है क्या होता है, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस में वाई बार अंडर द रूट समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर समीशन वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर। आई होप सबको क्लियर होगा, ठीक है। ओके आगे बढ़े, अगर हम लोग अगर सपोज करो इसी तरीके से आर ऑफ यू वी लिखते हैं तो यू वी मेरे पास क्या हो जाएगा, समीशन यू आई माइनस यू बार वी आई माइनस वी बार अपॉन समीशन यू आई माइनस यू बार का स्क्वायर समीशन वी आई माइनस वी बार का स्क्वायर, ठीक है। एज वी नो यू इज इक्वल टू 3x + 2 है तो यू बार कितना हो जाएगा 3x + 2 और ये v बार कितना हो जाएगा -4y + 5, ठीक है। लेट्स पुट ऑल दी वैल्यूज ऑफ u, v, u बार, y बार हेयर, इधर पुट करते हैं, ठीक है। सो इन r u v समीशन यू आई की वैल्यू कितनी है 3x + 2 और u बार कितना है 3x + 2, तो माइनस हो जाएगा बिकॉज यहां माइनस का साइन है। सिमिलरली ये हो जाएगा मेरे पास -4y + 5 और +4y - 5 अपॉन में अंडर रूट समीशन 3x + 2 -3x - 2 का स्क्वायर, ओके। उसके बाद समीशन -4y + 5 +4y - 5 का स्क्वायर। कैलकुलेशन बहुत आसान है गाइस, आराम से कर सकते हो, ज्यादा कोई डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है। 2 से 2 कटा, 5 से 5 गया, फाइन। यहाँ से 2 से 2 कटा, 5 से 5 गया। देखो यहाँ से 3 कॉमन आएगा, यहाँ से -4 कॉमन आएगा तो -12 बच जाएगा इधर। समीशन x माइनस एक्स बार, -4 कॉमन आया तो ये y हो जाएगा और ये -y बार हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे से बात करें सो 3 बाहर आएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। सो 9 समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार, फाइन। एंड ये हो जाएगा मेरे पास -4 का स्क्वायर, -4 कॉमन आएगा 16 बार आ जाएगा तो 16 समीशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। गाइज 9 और 16 का स्क्वायर रूट 3 और 4 हो जाएगा तो 12 आ जाएगा, तो -12 इधर आएगा +12 इधर आएगा, एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर, ओके। तो ये पूरा आर हो जाएगा और ये कट के माइनस हो जाएगा, तो ये आ रहा है -r ऑफ एक्स वाई। हमें प्रूफ करना था +r ऑफ एक्स वाई आएगा, मतलब प्रूफ क्या चेक करना था, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। आप सबको इसकी प्रॉपर्टी भी याद हो आई बिलीव कि कोरिलेशन कोफिशियंट चेंज ऑफ ओरिजिन से तो इफेक्ट करता नहीं है, बट चेंज ऑफ स्केल से इफेक्ट करता है। चेंज ऑफ स्केल से कब इफेक्ट करेगा, जब इसके जो कोफिशियंट के साइन होंगे वो ऑपोजिट होंगे, जो कि ऑपोजिट है, ठीक है। फोर्थ पार्ट डन, फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ में इन अ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल वाई इज इक्वल टू दिस टेस्टिंग अ जॉइंट हाइपोथेसिस दिस इज सेम एज टेस्टिंग फॉर β20 एंड β30। ये तो क्लियरली फॉल्स है। जॉइंट टेस्टिंग कैन नॉट बी इक्वल टू इंडिविजुअल टेस्टिंग, ऐसे बोले इसको भाई, जॉइंट टेस्ट अलग करते, ये इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये एक साथ मिलके बता रहा है, ठीक है भाई साहब। विराट कोहली और बुमराह दोनों अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे, ठीक है, बट जब दोनों मिलके एक साथ टीम में आ जाएंगे बेसिकली तो ज्वाइंट कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे,
भाई सिर्फ विराट कोहली खेल रहे हैं, बुमराह नहीं खेल रहा इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और जब दोनों बुमराह खेल रहा है, विराट कोहली नहीं खेल रहा है इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, दोनों खेल रहे हैं भाई साहब मोटिवेशन बढ़ गया, मैं बैट्समैन अच्छा हूँ, बॉलर अच्छा है टीम में, बॉलर कहता है मैं बॉलर अच्छा हूँ, मेरे बैट्समैन संभाल लेगा, ठीक है। तो जॉइंट टेस्टिंग कैन नॉट बी इक्वल टू इंडिविजुअल टेस्टिंग, तो दिस इज टोटली फॉल्स, आप ये लिख सकते हो उसमें, ठीक है। आई बिलीव ट्रू फॉल्स आपको क्लियर हो गए हूँ, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। ओके गाइस, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमें बोला है कंसीडर द मॉडल वाई आई इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स टू आई बीटा थ्री एक्स आई, वाई आई है लॉन्ग टर्म कंजम्पशन, एक्स टू आई इनकम है, एक्स थ्री आई एज है। हाउ विल यू एस्टिमेट द इंटरसेप्ट एंड स्लोप कोएफिशिएंट इफ द यूनिट मेजरमेंट ऑफ इनकम इज चेंज टू रुपीज लाख। अभी थाउजेंड में, थाउजेंड से लाख में कन्वर्ट अगर करना है तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, फाइन। सो अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में मॉडल लिख देते हैं, वाई आई इज इक्वल टू बीटा वन, सेकेंड का ए पार्ट है, उसका फर्स्ट पार्ट है, बीटा वन प्लस में बीटा टू एक्स टू आए प्लस में बीटा थ्री एक्स थ्री आए प्लस में म्यू आए। ये जो इनकम वाला पार्ट है इसको थाउजेंड से लाख में कन्वर्ट किया गया है, तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हाउ शुड वी प्रोसीड, सो जो नया एक्स टू आए आएगा वो पुराने x2i टू आई को 100 से मल्टीप्लाई करके आएगा, और आप सबको पता है अगर कैपिटल x2i टू आई 100 टाइम्स ऑफ कैपिटल x2i टू आई स्टार इज इक्वल 100 टाइम्स ऑफ कैपिटल x2i टू आई है, सो x2 बार क्या हो जाएगा 100 x2, x2 बार स्टार क्या हो जाएगा 100 x2 बार, इसमें से दोनों को माइनस करोगे तो ये स्मॉल x2i टू आई स्टार हो जाएगा और ये 100 टाइम्स स्मॉल x2i टू आई हो जाएगा, फाइन। हमें बताना है कि सिर्फ और सिर्फ एक्स टू आई का पार्ट चेंज करने से इसको हम कहेंगे चेंज ऑफ स्केल, क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये चेंज करने से अब हमारे इंटरसेप्ट बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री और स्लोप कोफिशन ये जो है इन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग बीटा टू हैट से, तो बीटा टू हैट स्टार की अगर बात की जाए तो बीटा टू हैट स्टार मतलब व्हेन इन द मॉडल वी डू नॉट हैव कैपिटल एक्स टू आई, वी हैव एक्स टू आई स्टार कैपिटल एक्स टू आई स्टार, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्लोप कोएफिशिएंट होगा बीटा टू हैट स्टार होगा। फॉर्मूला क्या होगा, समीशन स्मॉल वाई आई एक्स टू आई स्टार समीशन एक्स थ्री आई स्क्वायर समीशन वाई आई एक्स थ्री आई समीशन एक्स टू आई एक्स थ्री आई अपॉन समीशन एक्स टू आई पे स्टार लगाना है, सॉरी एक्स टू आई स्टार स्क्वायर समीशन एक्स थ्री आई स्क्वायर, ठीक है, माइनस समीशन एक्स टू आई स्टार इंटू सम एक्स थ्री आई का होल स्क्वायर, फाइन। सो व्हेन आई पुट स्मॉल एक्स टू आई की वैल्यू ये, देन व्हाट आई व्हाट वी हैव 100 टाइम्स एक्स टू आई ये एज इट इज रहेगा गाइस, ओके। अगर मैं यहां पुट करने लग जाऊं एक्स टू आई स्टार की जगह 100 एक्स टू आई एक्स थ्री आई अपॉन दिस इज 100 एक्स टू आई का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 100 एक्स टू आई एक्स थ्री आई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जहां जहां स्मॉल एक्स टू आई स्टार है वहां पे मैंने 100 टाइम्स स्मॉल एक्स टू आई पुट कर दिया यूजिंग दिस रिलेशनशिप। सो फाइनली अगर मैं 100 यहां से कॉमन लूंगा और यहां से 100 स्क्वायर कॉमन लूंगा तो 100 100 स्क्वायर जो बचेगा वाई आई एक्स टू आई समीशन एक्स थ्री आई स्क्वायर माइनस समीशन वाई आई एक्स थ्री आई समीशन एक्स टू आई एक्स थ्री आई अपॉन समीशन एक्स टू आई स्क्वायर एक्स थ्री आई स्क्वायर माइनस समीशन एक्स टू आई एक्स थ्री आई का होल स्क्वायर, ओके। इससे कट गया 1/100 आ गया, 1/100 जो अंदर बचा वो बच गया बीटा टू हैट, तो बीटा टू हैट स्टार भी चेंज हो जाएगा, वो 1/100 टाइम्स ऑफ पुराना बीटा टू हैट हो जाएगा। सो देर इज अ चेंज इन दी वन ऑफ द स्लोप कोफिशेंट विच इज बीटा टू हैट, उसमें चेंज आएगा। नाउ लेट्स चेक फॉर द बीटा थ्री हैट ऑल्सो एंड बीटा वन हैट ऑल्सो।
देखिए, सो जब मैं बीटा वन हैट स्टार पे आऊंगा, सॉरी बीटा थ्री हैट स्टार पे आऊंगा, समीशन वाई आई एक्स थ्री आई समीशन एक्स टू आई स्टार स्क्वायर माइनस समीशन वाई आई एक्स टू आई स्टार इंटू समीशन एक्स थ्री आई एक्स टू आई स्टार, फाइन ठीक है, एक बार चेक कर लो, कभी कभार ये फॉर्मूला मैं गलत लिख देता हूँ एकदम झकास, ठीक है फाइन। अच्छा डिनोमिनेटर तो वही पिछले वाले ही रहेगा, बिल्कुल डिट्टो वही चलेगा, तो आई एम नॉट चेंजिंग इट। तो यहाँ पे 100 डालेंगे तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा समीशन वाई आई एक्स थ्री आई 100 टाइम्स स्मॉल एक्स टू आई का स्क्वायर 100 टाइम्स स्मॉल एक्स टू आई और यहाँ भी 100 टाइम्स स्मॉल एक्स टू आई, ठीक है वैसे चलेगा। ऊपर से 100 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा है ना इस बारी, नीचे से तो 100 का स्क्वायर आया ही था कॉमन, तो ये जो पूरा फॉर्मूला बचेगा ये पुराना ये तो कट जाएगा, ये बिल्कुल बीटा थ्री हैट बच जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, जो कंजम्पशन के साथ एक एज वाला फैक्टर था उसके स्लोप कोएफिशिएंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो बीटा टू हैट इफेक्ट हो रहा है, बीटा थ्री हैट इफेक्ट नहीं हो रहा। लेट्स चेक फॉर दी इंटरसेप्ट वाला पार्ट, ठीक है इंटरसेप्ट के लिए देखें, अगर हम एक मिनट रुकना बच्चों, अगर मैं इंटरसेप्ट के लिए देखूं बीटा वन हैट के लिए देखूं हैट स्टार विच इज वाई बार स्टार, वाई बार में तो वाई में तो कोई चेंज आएगी माइनस बीटा टू हैट स्टार इंटू एक्स टू बार स्टार माइनस बीटा थ्री हैट स्टार इंटू एक्स थ्री बार, क्योंकि एक्स थ्री बार और वाई बार को मैंने इसलिए लिखा बिकॉज एक्स थ्री और वाई थ्री वाई में कोई चेंज नहीं हुआ है। सो गाइज अगर मैं इसको बढ़ाऊँ आगे, बीटा वन हैट स्टार वाई बार ऐसी रखता हूँ, इसकी वैल्यू क्या थी बीटा टू हैट बाय 100, इसकी क्या थी 100 टाइम्स पुराना वाला एक्स टू बार, ये बीटा थ्री हैट ही निकल कर आया अभी अभी पढ़ा है, बीटा थ्री हैट स्टार इज इक्वल टू बीटा थ्री, ठीक है और ये एक्स थ्री बार गाइज ये और ये कटा, ये एग्जैक्टली पुराना बीटा वन हैट हो गया। तो इट मीन्स नीदर द इंटरसेप्ट इफेक्टेड नॉर द वन ऑफ स्लोप कोएफिशिएंट इफेक्टेड, बट वन स्लोप कोएफिशिएंट ऑब्वियसली कंजम्पशन सॉरी जो इनकम के साथ वाला है उस पर इफेक्ट होगा, वो 1/100 टाइम्स हो जाएगा। आई बिलीव सबको क्लियर हो गया होगा, इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, ठीक है ये करवाया हुआ मैंने जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, ठीक है ओके गाइस। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, सपोज द रिसर्चर थिंक दैट यूजली कंजम्पशन इंक्रीज विद इनकम बट एट डिक्रीजिंग रेट एंड कंजम्पशन इंक्रीज विद एज, हाउ वुड यू मॉडिफाई द मॉडल टू सी वेदर द डेटा सपोर्ट हिज हाइपोथेसिस और नॉट, ठीक है जी कैसे मॉडल को वेरीफाई किया जाए, देखें वाई ऑन एक्स टू एंड एक्स थ्री है जिसमें ये कंजम्पशन है, ठीक है ये इनकम है और ये एज है, ठीक है ये कह रहे हैं रिसर्चर कुछ ऐसा सोच रहा है कि कंजम्पशन बढ़े जब इनकम बढ़े बट एट डिक्रीजिंग रेट, जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बाद फिर रेट पूछता है कि ये बढ़े जब ये बढ़े जब ये कम हो तब ये बढ़े विद रेट ऑफ इंक्रीज विद रेट ऑफ डिक्रीज, तो इस वहां पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की इंपॉर्टेंस आ जाती है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कह रहा है कि कंजम्पशन में जो चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू इनकम वो पॉजिटिव आए बट एट डिक्रीजिंग रेट, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव हो। तो अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कराना है तो इसका मतलब है इनकम का वाला जो कोफिशेंट है या जो इनकम वाला पार्ट लोगे वो लीनियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो लीनियर ले लोगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा, तो इसलिए उसको करना पड़ेगा चेंज। बट इसके लिए कह रहे हैं दिस शुड बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होना चाहिए, एज वाला फैक्टर पॉजिटिव। तो कैसे मॉडल वेरीफाई करा जाए, तो वाई आई इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू, मैं चाहता हूं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आए, तो लेट अस सपोज मैं इसको अगर रेसिप्रोकल मॉडल फॉर्म में ले लूं तो क्या ये मेरी कंडीशंस को होल्ड करेगा, डेल वाई बाय डेल एक्स टू माइनस बीटा टू बाय एक्स टू स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स टू स्क्वायर इज
टू बीटा टू बाय एक्स टू क्यूब। तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव कब होगा, जब बीटा टू नेगेटिव होगा, ठीक है, फाइन। आप लोग अगर बीटा टू नेगेटिव लेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, और बीटा टू नेगेटिव लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो मेरी इस कंडीशंस को होल्ड कर जाएगा नहीं। बच्चों रिसर्चर ऐसा मॉडल चाहता था कि इनकम के बढ़ने पे कंजम्पशन बढ़े, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। उसके बाद वो ऐसा मॉडल चाहता था कि आपके पास आपकी इनकम बढ़े बटा डिक्रीजिंग रेट, ठीक है, कंजम्पशन बढ़े इनकम के बढ़ने पे बटा डिक्रीजिंग रेट, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वो नेगेटिव चाहता था, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने तभी, अगर मैं सिर्फ एक्स टू वाई यहां पे छोड़ देता तो मेरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो जीरो हो जाता, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने रेसिप्रोकल लिया, तो माइनस बीटा टू बाई एक्स टू स्क्वायर, मैं चाहता हूं पॉजिटिव है तो बीटा टू को नेगेटिव होना पड़ेगा, बीटा टू नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और बीटा टू नेगेटिव है तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। और ये तो आ ही रहा है, डेल वाई बाई डेल एक्स थ्री तो आ ही रहा है, तो व्हाट हाइपोथेसिस क्या लेने पड़ेंगे, बीटा टू के कॉरेस्पॉन्डिंग हाइपोथेसिस बनेगा ये, और बीटा थ्री के हाइपोथेसिस बनेगा ये। ये हो गया इस पूरे सवाल का आंसर, ठीक है, ओके। इसके बाद में थर्ड पार्ट पे जा रहा हूं, थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है देखिएगा, कि सपोज द रिसर्चर वॉन्ट टू असेस द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एज एंड इनकम ऑन द लॉन्ग टर्म कंजम्पशन, व्हाट मॉडल शुड ही एस्टिमेट, एक्सप्लेन। मतलब इंपॉर्टेंस बताना चाहता है एज की और इनकम की ऑन लॉन्ग टर्म कंजम्पशन, तो कौन सा मॉडल उसे लेना चाहिए, पहला ले ले दूसरा ले ले। तो मेरे हिसाब से तो आप लोग अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, मेरे हिसाब से तो फर्स्ट मॉडल इज ओके, बिकॉज वी नो इनकम बढ़ती है कंजम्पशन बढ़ता है, डिक्रीजिंग रेट इंक्रीजिंग रेट मैटर नहीं करता फिलहाल अभी, और एज के साथ भी हम लोग लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करा सकते हैं। तो तुम लिख सकते हो, वी सपोज द रिसर्चर वांट टू से रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एज, तो तुम लिख सकते हो द फर्स्ट मॉडल इज एक्सेप्टेबल, ठीक है, एज बिकॉज इकोनॉमिक्स थ्योरी शोज द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, एज इनकम राइजेस कंजम्पशन इंक्रीजेस, एज वेल एज एज के साथ भी, ठीक है। एज के साथ इकोनॉमिक कोई रिलेशनशिप बहुत डिटेलिंग नहीं बनता, बट यू मे राइट इन योर ओन लैंग्वेज कि रिसर्चर अगर असेस करना चाहता है इंपॉर्टेंस ऑफ एज, व्हाट मॉडल शुड ही एस्टिमेट, सो आप लिख सकते हो रिसर्चर कैन यूज द ओरिजिनल मॉडल एज इट इज, ठीक है, इफ़ ही वॉन्ट्स टू फाइंड आउट द रिलेटिव इंपॉर्टेंस या वॉन्ट टू असेस द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एज एंड कंजम्पशन, एज एंड इनकम ऑन लॉन्ग टर्म कंजम्पशन, ठीक है, रिसर्चर फर्स्ट वाला मॉडल एज इट इज लेके चल सकता है, ठीक है, फाइन। थियोरिटिकल पार्ट है, कुछ वैसा नहीं, जैसा है वैसा लेके चल लो भाई, बिकॉज हम लोग हमेशा ही मान के चलते हैं इनकम बढ़ती है कंजम्पशन बढ़ती है, और एज के साथ भी एक लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट कराते हुए चलते हैं, ठीक है, फाइन। दो नंबर का है, थियोरिटिकल है, ज्यादा नहीं है, तो नॉट दी सेकेंड वन। सेकेंड तो उसने सोचा कि कुछ ऐसा बना लूं मैं कि इसके साथ ऐसा रिलेशनशिप हो सकता तो मैं ऐसा बना लूं, थर्ड में वो कुछ सोच नहीं रहा, तो जो मॉडल है वो एक्सेप्टेबल है, आप लोग भी होते तो ऐसा ही मॉडल बनाते, ठीक है, कोई लॉग लॉग टाइप बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ना कोई इलास्टिसिटी की जरूरत है, एज के साथ क्या इलास्टिसिटी बनाओगे, नो, ठीक है, फाइन। आगे बढ़ते हैं इसके बी पार्ट में, ओके गाइस, सेकंड के बी पे आते हैं, लेट एक्स टू बी दी आर स्पेंड ऑन मैथमेटिक कोचिंग ड्यूरिंग अ वीक, एक्स थ्री बी दी टाइम स्पेंड ऑन स्टडिंग अदर सब्जेक्ट, एंड वाई बी दी स्कोर ऑब्टेन इन दी मैथमेटिक्स फाइनल एग्जाम, द फॉलोइंग समरीज फॉर 23 स्टूडेंट्स फॉर ऑब्टेन, इट मीन्स एन आपको, आई एम सॉरी एक सेकेंड, एन आपको 23 दे रखा है, फाइन। उसके बाद आगे बढ़े अगर हम लोग, डेटा दे रखा है आपको सारा, x2 बार दे रखा है, x3 बार दे रखा है, y बार दे रखा है, n दे रखा है, समीशन x2 स्क्वायर, समीशन x2 x3, समीशन x3 स्क्वायर, x2 y, x3 y एंड समीशन y स्क्वायर दे रखा है। एस्टिमेट दी फॉलोइंग रिग्रेशन, एस्टिमेट करना है, बीटा वन हैट, बीटा टू हैट, बीटा थ्री हैट निकालने हैं। एस्टिमेट दी स्टैंडर्ड एरर ऑफ दी स्लोप कोफिशिएंट, ऑब्टेन आर स्क्वायर, इंटरप्रेट दी स्लोप कोफिशिएंट एंड कमेंट ऑन देयर स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। बच्चों थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है तो मैं पूरा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करूंगा, फॉर्मूला लिखूंगा, यू मे यू विल पुट दी वैल्यूज, मैं आंसर लिखूंगा, आई हैव सॉल्व द क्वेश्चन इन माय वे, ठीक है, मैंने अपने तरीके से सॉल्व किया हुआ है, मैं आंसर लिख दूंगा, आप लोग खुद कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आज की क्लास के लिए, ठीक है। सो यू ऑल नोज द फॉर्मूला, बीटा टू हैट का पता है आपको, समीशन वाई आई एक्स टू आई, समीशन एक्स थ्री आई स्क्वायर,
समीशन वाई आई एक्स थ्री आई, समीशन एक्स टू आई एक्स थ्री आई, समीशन एक्स टू आई स्क्वायर, समीशन एक्स थ्री आई स्क्वायर माइनस समीशन एक्स टू आई एक्स थ्री आई का होल स्क्वायर, ठीक है। बीटा थ्री हैट का पता है आपको, समीशन वाई आई एक्स थ्री आई, समीशन एक्स टू आई स्क्वायर, समीशन वाई आई एक्स टू आई, समीशन एक्स टू आई एक्स थ्री आई अपॉन समीशन, डिनोमिनेटर तो सेम ही रहता है, समीशन एक्स टू आई एक्स थ्री आई स्क्वायर, ओके। एंड बीटा वन हैट इज वाई बार माइनस बीटा टू हैट एक्स टू बार माइनस बीटा थ्री हैट एक्स थ्री बार, ठीक है गाइस। सो मैं आई हैव डन द क्वेश्चन, तो मैं जरा आप लोगों के लिए आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली नॉट आई हैव डन द कैलकुलेशन, कुछ स्टूडेंट्स ने कैलकुलेशन मुझे करके दिए, ठीक है। कहीं वो बच्चे वीडियो देख रहे हो तो बोलेंगे सर हमने किए, हाँ हाँ कैलकुलेशन आप ही लोगों ने किया, ठीक है। सो इनका जो बीटा टू हैट आ रहा है वो आ रहा है 0.7, बीटा थ्री हैट जो आ रहा है वो आ रहा है 0.2 एंड बीटा वन हैट जो आ रहा है वो आ रहा है 4। तो मॉडल बन जाएगा आपका ऐसा, वाई हैट इज इक्वल टू बीटा वन हैट विच इज 4 प्लस बीटा टू हैट प्लस बीटा थ्री हैट, दिस इज द मॉडल। इसकी इंटरप्रिटेशन भी मांगे, इंटरप्रिटेशन आप लोग सुन लीजिए मेरे से, ठीक है। व्हेन एक्स टू इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट देन मीन प्रिडिक्टेड वाई इंक्रीजेस बाय 0.7 यूनिट कीपिंग द एक्स थ्री वेरिएबल कॉन्स्टेंट। जो भी एक्स टू एक्स थ्री का मतलब क्वेश्चन में दे रखा है उस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। व्हाट आर द मीनिंग्स, एक्स टू है आर स्पेंट ऑन मैथमेटिक कोचिंग और ये टाइम स्पेंट ऑन अदर सब्जेक्ट, अच्छा यहाँ पे आर स्पेंट ऑन अदर सब्जेक्ट, वाई स्कोर ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स फाइनल एग्जाम। तो लिख सकते हो व्हेन आर स्पेंट ऑन मैथमेटिक कोचिंग इंक्रीजेस बाय 1 आर, व्हेन आर स्पेंट ऑन मैथमेटिक कोचिंग, ठीक है, इंक्रीजेस बाय 1 आर देन मीन प्रिडिक्टेड स्कोर ऑफ मैथमेटिक्स, मीन प्रिडिक्टेड स्कोर ऑफ मैथमेटिक इंक्रीज बाय 0.7 मार्क्स कीपिंग द टाइम स्पेंट ऑन अदर पेपर कॉन्स्टेंट, ठीक है। सिमिलरली व्हेन टाइम स्पेंट ऑन अदर पेपर इंक्रीजेस बाय 1 आर देन मीन प्रिडिक्टेड स्कोर ऑफ मैथमेटिक इंक्रीजेस बाय 0.2 मार्क्स, ठीक है, 0.2 मार्क्स कीपिंग द स्टडी आर ऑन मैथमेटिक कोचिंग कांस्टेंट, मतलब स्टडी आर ऑफ मैथमेटिक कोचिंग इज कांस्टेंट, फाइन। सो फर्स्ट पार्ट आई होप क्लियर हो गया हूं, आप लोग भी मेरी कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, ओके गाइज। इसके स्टैंडर्ड एरर्स पे आते हैं, एस्टिमेट द स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए अगर सपोज करो वेरिएंस ऑफ बीटा टू हैट और वेरिएंस ऑफ बीटा थ्री हैट निकालना हो तो सिग्मा स्क्वायर समीशन एक्स थ्री आई स्क्वायर अपॉन समीशन एक्स टू आई स्क्वायर एक्स थ्री आई स्क्वायर माइनस समीशन एक्स टू आई एक्स थ्री आई का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है, मे बी यही फॉर्मूला सेम यहां भी अप्लाई हो जाएगा, बस यहां एक्स टू आई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बट सिग्मा स्क्वायर है नहीं, तो सिग्मा स्क्वायर के लिए आपको सिग्मा हैट स्क्वायर निकालना पड़ेगा, और सिग्मा हैट स्क्वायर क्या होता है, आर एस एस अपॉन एन माइनस के, आर एस एस क्या होता है समीशन ई आई स्क्वायर, ठीक है, समीशन ई आई स्क्वायर, समीशन ई आई स्क्वायर लाइक सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको। अगर मैं जाऊं इसके सेकेंड पार्ट पे, समीशन ई आई स्क्वायर का फॉर्मूला वही समीशन वाई आई स्क्वायर माइनस बीटा टू हैट समीशन एक्स टू आई वाई आई माइनस बीटा थ्री हैट समीशन एक्स थ्री आई वाई आई, वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। कुछ फॉर्मूला मैं गलत लिख दूं तो मैं माफी चाहता हूँ। सो द कैलकुलेशन ऑफ, जस्ट होल्ड ऑन बच्चों, हाँ एक मिनट में निकाल लूँ कैलकुलेशन, खुल जा भाई, ओके। इसकी कैलकुलेशन, इसका आंसर आ रहा है 1.4 आफ्टर पुटिंग ऑल दी वैल्यूज, कुछ मिस्टेक हो तो कमेंट पे या मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर देना। और सिग्मा हैट स्क्वायर हो जाएगा समीशन ई आई स्क्वायर अपॉन में एन माइनस के
समीशन ई आई स्क्वायर आया है जैसे कि 1.4, N23 है, K3 है, तीन पैरामीटर हैं, ये आ रहा है 0.07। वेरियंस ऑफ बीटा टू हैट के लिए पुट करेंगे वैल्यूज, सिग्मा हैट स्क्वायर ये हो गया, समीशन स्मॉल एक्स 3 आई स्क्वायर 12 है, और डिनोमिनेटर में जो टर्म चल रही है उसकी कैलकुलेशन 80 हो गई, तो ये 0.0105 आ गया। सिमिलरली वेरियंस ऑफ बीटा 3 हैट में भी 0.07, समीशन एक्स 2 आई स्क्वायर और एक्स 3 आई स्क्वायर दोनों सेम है तो ये 12 हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम ही होता है, सेम ही आ जाएगा। स्टैंडर्ड एरर के लिए इनके स्क्वायर रूट कर लीजिएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर भी बच्चों ने निकाले हैं, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2 हैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 3 हैट, क्योंकि वेरियंस सेम आ रहे हैं, विच इज 0.10247। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या मांगा है आप लोगों से, नेक्स्ट बोल रहा है ऑप्टेन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बड़ी आराम से निकल जाएगा, ये जो निकला हुआ है ये है आरएसएस, टीएसएस दे रखा है, समीशन स्मॉल वाई आर स्क्वायर कितना 10, ईएसएस क्या हो जाएगा इसमें से इसको माइनस कर लेंगे 10 में से 1.4 तो 8.6 आ जाएगा, और आर स्क्वायर क्या हो जाएगा ईएसएस बटे में टीएसएस जो कि आ रहा है 0.86। फोर्थ पार्ट मैं पहले आपको बता चुका हूँ, इंटरप्रेट दी स्लोप कोफिशिएंट एंड कमेंट ऑन देयर स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस आप लोग निकाल लोगे, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस भी आई हैव दी कैलकुलेशन विथ मी, टेस्टिंग करोगे एच नॉट में बीटा 20। यहाँ पे बच्चों मैंने आपको इंटरप्रिटेशन बता दी थी, अब यार ये कोई इकोनॉमिक थ्योरी तो है नहीं, तो टू टेल टेस्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसकी टेस्ट एट्स जो है वो होगी बीटा 2 हैट माइनस बीटा 2 अपॉन स्टैंडर्ड एरर जो कि आ रही है 6.83। प्लीज चेक कर लीजिएगा, इसकी टेस्ट एट्स जो आ रही है बीटा 3 हैट माइनस बीटा 3 अपॉन में स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 3 हैट जो कि आ रही है 1.95। क्रिटिकल वैल्यू वही टी अल्फा बाय 2 एन माइनस के हो जाएगी, यानी टी 0.025 एन 23 माइनस 3 20। सो इन बोथ दी केसेस द डायग्राम वुड बी सेम। ये वैल्यू है बेसिकली जो भी वैल्यूज आप टी से चेक कर सकते हो, इस बच्चे ने शायद जेड से वैल्यू दिखी है जो कि थोड़ी सी गलत है, टी से लेनी चाहिए थी, आप उसके बेसिस पर रिजेक्ट और एक्सेप्ट कर सकते हो, बेटी आराम से कर लो, ठीक है फाइन। तो सेकंड क्वेश्चन इज डन फ्रॉम माय साइड पूरा का पूरा, अब इसके बाद हम थर्ड की तरफ रुक करेंगे। ओके गाइस, थर्ड क्वेश्चन में मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इनवैलिड इंडिविजुअल इज हायर टू डिटरमाइन द बेस्ट लोकेशन फॉर द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फेमस फैमिली रेस्टोरेंट चेन फूडीज। इंडिविजुअल डिसाइडेड टू बिल्ड द रिग्रेशन मॉडल बनाया एक, ठीक है, मीनिंग बता देता हूँ। सेल्स वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव रेस्टोरेंट नियर बाय, पॉपुलेशन नियर बाय, एवरेज हाउस होल्ड इनकम नियर बाय, ठीक है। इंटरप्रेट द स्लोप कोफिशिएंट ऑफ द रिग्रेशन इन आर स्क्वायर। इंटरप्रेट करना आप सबको अच्छे से आता है, मैं बोल देता हूँ, यू कैन राइट इट। जैसे सपोज करो व्हेन नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव रेस्टोरेंट इंक्रीज बाय 1 यूनिट देन मीन प्रिडिक्टेड ग्रॉस सेल्स वॉल्यूम ऑफ रेस्टोरेंट डिक्रीज बाय 9075 यूनिट कीपिंग द पॉपुलेशन नियर बाय एंड द एवरेज हाउस होल्ड इनकम नियर बाय कॉन्स्टेंट। नंबर ऑफ यूनिट इन पॉपुलेशन नियर बाय एंड नंबर ऑफ यूनिट इन एवरेज हाउस होल्ड इनकम नियर बाय कॉन्स्टेंट। इसका व्हेन पॉपुलेशन नियर बाय इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट देन मीन प्रिडिक्टेड ग्रॉस सेल्स वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 0.3547 यूनिट कीपिंग द एवरेज हाउस होल्ड इनकम नियर बाय यूनिट एंड द नंबर ऑफ कॉम्पिटेटिव रेस्टोरेंट कॉन्स्टेंट। सो इज द अदर पार्ट, कर लोगे सारे एक्सप्लेन। आर स्क्वायर को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, आर स्क्वायर का बेसिक आर स्क्वायर है कितना, ये रहा 57.9% वेरिएशन इन ग्रॉस सेल्स वॉल्यूम, ठीक है, एक्सप्लेन्ड बाय नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव रेस्टोरेंट, पॉपुलेशन नियर बाय एंड एवरेज हाउस होल्ड इनकम जॉइंटली, ऐसे लिखें फाइन। सो पहला पार्ट इंटरप्रिटेशन और कुछ नहीं है। सेकेंड पार्ट में आते हैं, सपोज वी एड अनदर वेरिएबल ए टू रिग्रेशन अबव ए टू रेस्टोरेंट, कंसिडर द मॉडिफाइड रिग्रेशन मॉडल गिवन बिलो।
डू यू थिंक एडिंग अ न्यू वेरिएबल हैज इम्प्रूव टू फिट द इक्वेशन, वाई नॉट? एक नया वेरिएबल डाल दिया गया, चेक करना है कि मॉडल में कुछ इंप्रूवमेंट आई है नहीं आई है। अगर हम चेक करना चाहें तो मॉडल की इंप्रूवमेंट के लिए आर स्क्वायर चेक नहीं करेंगे, आर बार स्क्वायर चेक करेंगे। तो आपके पास इसका भी आर स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे आर स्क्वायर दे रखा है, इसका भी आर स्क्वायर दे रखा है, आप इजीली आर बार स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। आर बार स्क्वायर कैलकुलेट करने का तरीका, आई होप सबको ये वाला फॉर्मूला याद हो गाइस। कौन सा वाला? आर बार स्क्वायर इज वन माइनस आर स्क्वायर एन माइनस के अपॉन एन माइनस वन, इस तरीके से। ठीक है, आई होप सबको याद हो। ऑब्वियसली आई हैव द कैलकुलेशन विथ मी, जहाँ पे आर बार स्क्वायर कैलकुलेट हुआ हुआ है, सो दैट आपको ज़्यादा मेहनत, आपको तो करनी है, मुझे मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, पहला वाले का आर बार स्क्वायर आ रहा है एन माइनस वन अपॉन एन माइनस के, सॉरी इसका आर बार स्क्वायर आ रहा है, इस आर स्क्वायर को पुट करके, और एन तो सब में सेम रहेगा, बस के यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, तो पुट कर ले। जैसे के यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच है, वहाँ पे के चार रहा होगा। ठीक है, तो इसका आ रहा है पहले वाले का 0.508, और दूसरे वाले का आर बार स्क्वायर जो आ रहा है वो आ रहा है 0.6232। ठीक है, सो 0.6232 एंड 0.508, तो आर बार स्क्वायर बड़ा है, इसका मतलब मॉडल इम्प्रूव हुआ है। दूसरा पार्ट वो बोल रहा है, डू यू थिंक, अब ये सेकेंड पार्ट में हमने आंसर कर दिया, डू यू थिंक अ न्यू वेरिएबल इम्प्रूव हैज फिट द इक्वेशन, फिट हो रही है क्योंकि आर बार स्क्वायर बढ़ रहा है। डू यू सस्पेक्ट अ प्रॉब्लम इन पार्ट टू अबव, वट इज, जो पार्ट टू निकला, वट इज द प्रॉब्लम, वट कुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रॉब्लम, हाउ विल यू करेक्ट फॉर द प्रॉब्लम? अब मॉडल वन और टू में जो फर्क है वो सिर्फ इस वेरिएबल का, हमने देखा इसके आने से आर बार स्क्वायर बढ़ रहा है, ठीक है जी, बट एक बार इसकी टेस्टिंग भी करके देख लें। तो जब इसकी टेस्टिंग करके देखेंगे इसके कोफिशेंट की, तो इसके कोफिशेंट की टेस्टिंग करते वक्त जब लेटर सपोज 5% पे भी करना चाहो तो कर सकते हो, इसकी जो मॉड टी वैल्यू आ रही है 58.07 माइनस 0 अपॉन में स्टैंडर्ड एरर, समझ गए ना, बीटा 5 हैट माइनस में 0 अपॉन में स्टैंडर्ड एरर, इसकी कैलकुलेशन 0.6099 आ रही है, जो कि लेस देन 1 है। तो अगर मॉड टी वैल्यू आपकी एक से छोटी आ रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रेलिवेंट वेरिएबल नहीं है। अच्छा, ये थोड़ा सा ना आप ऐसे बोल सकते हो कि आर बार स्क्वायर से तो मॉडल की फिटनेस देख ली ओवरऑल, बट इंडिविजुअली ये मॉडल के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो इंडिविजुअली अगर ये मॉडल के लिए ठीक नहीं है 0.6099, मतलब रिजेक्ट हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है, एच नॉट एक्सेप्ट हो रहा है, एआई इज इनसिग्निफिकेंट, इररेलीवेंट वेरिएबल इन द मॉडल। यू मे राइट एज मॉड टी वैल्यू इज लेस देन 1, हेंस दैट वेरिएबल इज इररेलीवेंट टू द मॉडल। This is the main problem is occurring. And whenever there is an irrelevancy in the model, that means specification biasness is occurring. ठीक है, तो do you suspect a problem? Yes, irrelevant. What is the problem? Specification biasness, that means inclusion of irrelevant variable. Problem हो गई inclusion of irrelevant variable. What are the consequences of the problem? How will you correct the problem? Simple है बच्चों, क्या क्या consequences होते हैं inclusion of irrelevant variable के, आप सबको याद होंगे, लिख मारो, कोई बाइजनेस आ जाती है, और क्या नाम है, वाइडर कॉन्फिडेंस इंटरवल, इनवैलिड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इफ इनएफिशिएंसी, ये सब कुछ। और करेक्ट करने का क्या है, इसे रिमूव कर दो, सिंपल है, रिमूव कर दो बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, यू मे डू इट इन योर ओन वे, मतलब इफ आई एम नॉट डूइंग द क्वेश्चन, इसका मतलब ही नहीं इसमें कोई कैलकुलेशन है, मैं बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हो, तो आप लिख रहे होगे, आई होप सो। ठीक है, कैलकुलेशन जो थी बता दी मॉडल वाली। हाउ वुड यू कंडक्ट रामसे टेस्ट, इसमें रामसे टेस्ट के आपको सारे स्टेप्स लिखने हैं, रामसे टेस्ट के स्टेप्स आई होप सबको याद हो, जहाँ पे सबसे पहले ऑक्सिलरी रिग्रेशन इक्वेशन बनती है, फिर ऑक्सिलरी रिग्रेशन इक्वेशन में जो नए मतलब वाई आई को रिग्रेस करते हैं इन सब पे भी, उसके अलावा वाई आई हैट पे, वाई हैट स्क्वायर पे, वाई हैट क्यूब पे, ठीक है, उनके स्लोप कोएफिशिएंट की टेस्टिंग करते हैं, मतलब फिर मतलब ऑल दी स्टेप्स यू नीड टू राइट रामसे टेस्ट। अगर आप सब लोगों ने पढ़ा है रामसे टेस्ट, तो उसके जो स्टेप्स हैं आपको वो लिखने हैं, और कुछ नहीं। उसके बाद लास्ट पार्ट है, हाँ, सपोज द एवरेज हाउस होल्ड इनकम इज नॉट मेजर करेक्टली, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑन दिस प्रॉपर्टीज ऑफ ओएलएस एस्टिमेट। अगर वो एवरेज हाउस होल्ड इनकम जो है, जो कि है आई, वो ढंग से नहीं बेसिकली मेजर की गई है, तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओएलएस प्रॉपर्टी। कोई पैरामीटर ढंग से मेजर नहीं किया गया तो इनएफिशिएंसी आ सकती है, वाइडर कॉन्फिडेंस इंटरवल हो सकते हैं, इनवैलिड हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो सकती है, वो ही सारे प्रोसेस लिखने, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, फाइन।
इससे ज़्यादा और क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन लिटिल बिट थ्योरेटिकल था, तो वॉट एवर आई बेसिकली स्पोक कॉरस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन, आई होप आपने ढंग से सुना और आपने लिखा भी हो उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बी पार्ट। ओके गाइस, थर्ड के बी पार्ट पे आते हैं। क्या कह रहे हैं, द फॉलोइंग रिग्रेशन रन ऑन 240 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑन द रेसिडुअल ऑब्टेन हैव रिस्पेक्टिव स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस दे रखा, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन हाउ वुड यू टेस्ट द नॉर्मैलिटी अजम्पशन ऑफ रेसिडुअल, स्टेट द नल अल्टरनेटिव, डू यू थिंक द टेस्ट इज वैलिड इफ रिग्रेशन इज रन ऑन 10 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सब में दोनों में चेक करना है। तो नॉर्मैलिटी टेस्ट क्या होता है, जहां पे आप लोग ठीक है एच नॉट लिखोगे, म्यू आई फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एच ओ लिखोगे म्यू आई डू नॉट फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कौन सा टेस्ट कहते थे, जारक्यूबेरा टेस्ट, जेबी टेस्ट, ठीक है। इसमें जेबी टेस्ट जो हम तुम निकालोगे क्या होती थी, जेबी का फॉर्मूला याद है बच्चों, जेबी होता था एन बाय सिक्स एस स्क्वायर प्लस के माइनस थ्री का होल स्क्वायर अपॉन में फोर, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। कैलकुलेशन मुझे फिर से, एन 240 है, ठीक है, एस की वैल्यू कितनी है बेटा, स्क्यूनेस माइनस 0.097, माइनस 0.097 का स्क्वायर प्लस के कितना है 2.56 माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन में 4, इसका आंसर आ रहा है जो कि कैलकुलेटेड है 2.31236, ठीक है, और इसकी क्रिटिकल वैल्यू होती है काई स्क्वायर अल्फा कॉमा 2, फाइन, जो कि 5% पे आ रही है 5.991, ये कितने लाई कर रही, इतने, तो एच नॉट एक्सेप्ट हो गया, यानी म्यू आई फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और अगर सैंपल साइज डू नॉट रिजेक्ट लिखना, अगर एन 10 हो जाए तो 10 पे क्या होगा, 10 पे कैलकुलेशन जो आ जाएगी वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ी आ जाएगी, नहीं छोटी और हो जाएगी मेरे ख्याल से, एक सेकेंड, टेस्ट इज वैलिड, अच्छा हाँ ठीक है, 10 पे कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, ठीक है, बट ये वाला टेस्ट हम लोग ज़्यादातर वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ सैम्पल साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा बड़े में आप 30 से बड़ा लेके चल सकते हो और कुछ नहीं है, ठीक है, और 30 से बड़ा लेके, और वैसे भी एन की वैल्यू 10 दे रखी है तो लिख सकते हो कि दिस टेस्ट इज़ नॉट यूज़फुल, बाकी कुछ कुछ किताबें 10 और 5 पे भी इसको सॉल्व करती हैं, ठीक है, बट आप लिख सकते हो दिस टेस्ट इज़ एप्लीकेबल फॉर लार्ज सैम्पल नॉट फॉर स्मॉल सैम्पल, फाइन। सो ये आसान सवाल था, अगर किसी ने जो जी देखो इको ट्रिक्स की छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर मत करो, ना ही जेबी टेस्ट और छोटी मोटी चीज़ और मीन फॉरकास्टिंग, देर लॉट्स ऑफ टॉपिक, प्लीज डोंट इग्नोर एनीथिंग, गोल्ड फ्लैट क्वांट टेस्ट, छोटे मोटे टेस्ट, पार्क टेस्ट, ग्लेजर टेस्ट, ये सब टेस्ट पढ़ के जाना प्लीज, चाउ टेस्ट पढ़ के जाना, जरूर आते हैं पेपर में, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट डन फ्रॉम माई साइड, अब हम चलेंगे चौथे सवाल की तरफ। ओके गाइस, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, डुएबल है, इजी सवाल है। कह रहा है अ रिग्रेशन इक्वेशन इंक्लूड्स अ क्वांटिटेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल वेज, क्वांटिटेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, टू क्वालिटेटिव वेरिएबल जेंडर एंड एजुकेशन विथ टू कैटेगरी ईच, ग्रेजुएट एंड नॉन ग्रेजुएट, अज्यूमिंग द क्वालिटेटिव वेरिएबल डू नॉट इंटरैक्ट विथ ईच अदर, अभी इंटरैक्ट नहीं कर रहे, यूजिंग इंटरसेप्ट डमी वेरिएबल राइट द वेज रिग्रेशन मॉडल इफ इंपैक्ट ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जेंडर एजुकेशन लेवल इज टू बी एनालिसिस ऑन वेज, फीमेल ग्रेजुएट एज देयर रेफरेंस कैटेगरी, रेफरेंस मतलब जो जीरो लेना है, राइट द एस्टिमेटेड इक्वेशन फॉर मेल ग्रेजुएट कैटेगरी। ओके, एक काम करते हैं, आराम आराम से करते हैं सवाल, अच्छा सवाल है, मतलब पूरी डमी रिवाइज करा देगा आपको। ओके, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले वाई आई वेज है, ठीक है, एक्स आई एक्सपीरियंस है, और एक है जेंडर, मेल फीमेल, और जेंडर हो गया और एजुकेशन लेवल, नेक्स्ट है एजुकेशन लेवल, नॉट ग्रेजुएट ग्रेजुएट,
ठीक है। क्वेश्चन में मेंशन है कि फीमेल को और ग्रेजुएट को रेफरेंस मानना, मतलब जीरो लेना उसको, ठीक है। तो ये वन हो गया, ये जीरो हो गया, ये वन हो गया, ये जीरो हो गया। हाउ द मॉडल लुक लाइक इन फर्स्ट पार्ट, वाई आई इज इक्वल टू, इसके लिए डमी आ गया एक डी वन आए, इसके लिए आ गया डी टू आए, ठीक है। वाई आई इज इक्वल टू बीटा वन प्लस में बीटा टू एक्स आए प्लस में बीटा थ्री डी वन आए प्लस में बीटा फोर डी टू आए प्लस में म्यू आए, इज दैट ओके? बोलो हाँ हाँ, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, हाउ वुड योर आंसर इन पार्ट वन बी चेंज इफ एजुकेशन लेवल हैज थ्री कैटेगरी इंस्टेट नेमली ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट एंड पीएचडी। तो भाई साहब दो डमी डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या क्या डमी ले लें, सपोज करो ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, एक डी थ्री आई ले लेते हैं और एक डी फोर आई ले लेते हैं। क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट एंड पीएचडी, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी। तो डी थ्री आई ले लेते हैं, ग्रेजुएट ये ले लेते हैं वन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, जीरो अदरवाइज, याद करो वन पीएचडी जीरो अदरवाइज। अब भाई यार जिनकी हायर क्वालिफिकेशन उन्हें बन लूंगा, ठीक है। अच्छा नॉट ग्रेजुएट का मतलब ये नहीं कि पढ़ा लिखा नहीं हो सकता हायर इसमें आ रहा हो। सो फाइनली मॉडल बनेगा वाई आई इज इक्वल टू बीटा वन प्लस में अगर एक्सपीरियंस भी ले लूँ उसमें बीटा टू एक्स आए प्लस बीटा थ्री डी थ्री आए प्लस बीटा फोर, इसमें काम करो बीटा, इसको फाइव फोर हो गया, फाइव ले लेना, सिक्स ले लेना, डी फोर आए वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी, म्यू आए, ठीक है फाइन ओके फाइन। थर्ड पार्ट में बेस्ड ऑन पार्ट टू, मतलब राइट दी वेज इक्वेशन फॉर टू स्पेसिफिक कैटेगरीज, फीमेल विथ पीएचडी मेल पोस्ट ग्रेजुएट। अच्छा फीमेल विथ पीएचडी, फीमेल जीरो है, ठीक है। एक सेकेंड, एक छोटी सी मिस्टेक है सेकेंड पार्ट में, हमें वो नहीं लिया, क्या बीटा टू एक्स आए प्लस बीटा थ्री डी वन, डी वन आए आएगा प्लस बीटा फाइव, क्योंकि ये सिर्फ दो कैटेगरी लिए था ना, अब एक के लिए बीटा फाइव डी थ्री आए प्लस बीटा सिक्स डी फोर आए प्लस म्यू आए, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, फीमेल विथ पीएचडी, फीमेल ओके, फीमेल 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 में जीरो है, ठीक है। विथ पीएचडी, पीएचडी में क्या वन है, डी फोर आए डी थ्री आए, डी फोर है, ठीक है। कुछ छोटी मोटी मिस्टेक तो माफी। अगले में कह रहा है मेल पोस्ट ग्रेजुएट, मेल पोस्ट ग्रेजुएट यानी डी थ्री आई आएगा, मेल के लिए बीटा थ्री वन और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए बीटा सिक्स। एक अगले स्टेप में ना इन दोनों को मिला के एक अलग वेरिएबल मान लेना बीटा सिक्स डैश, इन तीनों को मिला के एक अलग मान लेना बीटा सेवन डैश या बीटा एट मान लेना, क्योंकि तीन तीन इंटरसेप्ट बुरे लग रहे हैं, उन तीनों को मिला के एक इंटरसेप्ट ले लेना, ठीक है। कुछ भी ले सकते हो, अल्फाज भी ले सकते हो। अगले में कह रहे हैं हाउ वुड योर पार्ट इन मॉडल टू बी मॉडिफाई इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू एग्जामिन वेदर द मार्जिनल इफेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस इज जेंडर स्पेसिफिक। इफेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस इज जेंडर स्पेसिफिक, इसका मतलब क्या हो गया, इंटरक्शन एक्सपीरियंस और जेंडर में। बोले तो सेकेंड वाले में क्या रहा ना, ये सेकेंड वाले पार्ट में जो ये आंसर आया इसमें एक चीज और प्लस एड हो जाएगी, बीटा सेवन डी वन आए इंटू एक्स आए प्लस म्यू आए, बस ये बोल रहा ना यार, बस मार्जिनल इफेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस इज जेंडर स्पेसिफिक, ठीक है। और लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है,
लास्ट पार्ट में कह रहा है हाउ वुड रिग्रेशन इन पार्ट वन बी मॉडिफाई क्वालिटेटिव वेरिएबल इंटरैक्ट विद ईच अदर। बच्चों बड़ा आसान है यार, ये था ना फर्स्ट वाला, इस लास्ट पार्ट के आंसर में इसमें इसी में प्लस होके क्या आ जाएगा, बीटा सेवन ले लो, डी वन आई डी टू आई प्लस बी वन, ये हो जाएगा लास्ट पार्ट का आंसर। जैसे इससे पिछले वाले पार्ट में इसी में कुछ ऐड हो गया था ना, इसे लास्ट वाले पार्ट में ऐड कर। बच्चों बड़ा आसान सवाल है, कसम से अगर तुम्हें डमी आता हो ना यू यू निपटा दो वाला सवाल तुम, ठीक है लिख लो। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन हाइपोथेसिस का है, देख लीजिए क्या कह रहा है। अ रैंडम सैंपल ऑफ 200 व्हीकल ट्रैवलिंग ऑन रफ्स रोड विद पोस्टेड स्पीड लिमिट 35 mph ऑन सच अ रोड, सैंपल मीन दे रखा है एंड सैंपल मीन है, सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन है, इधर भी 200 का सैंपल मीन है, सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन है। कैरी आउट 10% सिग्निफिकेंट लेवल टू डिसाइड वेदर द टू पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वेरियंस आर आइडेंटिकल और नॉट। नॉर्मली गाइस टेस्टिंग करनी है सिग्मा वन स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा टू स्क्वायर, ऑल्टरनेटिव में सिग्मा वन स्क्वायर नॉट इक्वल टू सिग्मा टू स्क्वायर। इसकी टेस्ट एड सबको याद है क्या, वेरियंस किसका बड़ा आ रहा है, अगर इसका बड़ा है 9.6 उसका 8, उसका कितना 8.6, सो एस टू स्क्वायर अपॉन एस वन स्क्वायर कर लो, जो कि कितना हो जाएगा 9.2 का स्क्वायर अपॉन 8.6 का स्क्वायर, कैलकुलेशन है मेरे पास 1.144। बस एफ टेबल सबको आती है अच्छे से निकालने, निकाल लोगे यहां पे, यहां पे हो जाएगा एफ 0.05 डिग्री ऑफ फ्रीडम, आप लोग ले लोगे वही n1-1 और n2-1, यहां पे ये बेसिकली 0.95 चले जाएगा, पर राइट का एरिया इसका कितना है 10% है ना, 5% है ये एफ 0.90 n1-1 n2-1, ठीक है इसको 1 अपॉन में कर सकते हो ना, एफ 0.10 भी कर सकते हो, एक सेकेंड 10% था ना तो 5 और 5 बटा ना तो 95 आएगा, 0.05 भी कर सकते हो, याद करो यार n1-1 n2-1, बस देख लेना यार रिजेक्ट होगा एक्सेप्ट होगा नॉट अ बिग डील, बहुत आसान सवाल है। कितने नंबर गए, 5 नंबर, बहुत ज्यादा नहीं। ओके गाइस क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वार्टरली डेटा ऑन कंट्री एक्स वाई जेड वॉज कलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ डिस्ट टू एस्टिमेट द रिलेशन बिटवीन द एफडीआई ट्रेड ओपननेस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्सचेंज रेट, टीओ का मतलब डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट टू जीडीपी, ठीक है जी। ये एक मॉडल आपको दे रखा है, इंटरप्रेट द एस्टिमेटेड स्लोप कोफिशिएंट, डू यू सस्पेक्ट सम प्रॉब्लम विद द अबव रिग्रेशन। देखिए आप लोगों को क्वेश्चन में इंटरप्रेट करना बड़ा आसान है, व्हेन ईटी इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट देन मीन प्रेडिक्टेड एफडीआई एट टाइम टी इंक्रीजेस बाय 0.012 यूनिट कीपिंग द अदर फैक्टर्स कीपिंग द अदर वेरिएबल कॉन्स्टेंट। ऐसे ही व्हेन टीओ जो भी नाम है उसका इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट देन मीन प्रोडक्टेड एफ डी आई एट टाइम टी डिक्रीजेस बाय दिस मच ऑफ यूनिट कीपिंग दीज थ्री वेरिएबल कॉन्स्टेंट, कर लोगे सारा, बहुत आसान है। नाम थोड़ा तो ऑब्वियसली लिखने में टाइम तो लगेगा ही, बट अगर आपने पढ़ा हुआ तो कर पाओगे। डू यू सस्पेक्ट सम प्रॉब्लम विद द अबव रिग्रेशन, अच्छा प्रॉब्लम के साथ साथ ना नीचे के पार्ट में कुछ ऐसे ये डिवाइड करके दे रखा है, ऐसा दो जगह होता है हेट्रोस्कीडासिटी में मल्टीक्लोनैरिटी में, ठीक है। हेट्रो टेस्ट करने का कोई तरीका है नहीं, मल्टीक्लोनैरिटी देखें हो सकती है नहीं हो सकती, मल्टीक्लोनैरिटी के लिए आप देखो जीडीपी है और ये टीओ है, इस टीओ के अंदर भी जीडीपी इंक्लूडेड है, एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट टू जीडीपी, तो लिखोगे देयर इज अ चांसेस ऑफ मल्टीक्लोनैरिटी बिकॉज टीओ इंक्लूड्स जीडीपी, यहां भी जीडीपी है तो एक वेरिएबल अपने आप से तो कोरिलेट होगा ही होगा, सो टीओ इंक्लूड जीडीपी अदर फैक्टर्स ऑल्सो जीडीपी, तो देयर इज हाई चांसेस ऑफ मल्टीक्लोनैरिटी बिटवीन दीज टू वेरिएबल दिस एंड दैट, ठीक है। सो टीओ इंक्लूड्स the export plus imports to GDP and GDP is another explanatory variable, so there is high chances of the correlation between the GDP and the TO variable, ठीक है, तो chances of multicollinearity, so what is the nature of problem multicollinearity, how do you know, मैंने explain करके बता दिया because TO के अंदर GDP है तो GDP और TO में आपस में correlation हो सकता है, होगा ही होगा, explain its consequences, multicollinearity के consequences मैंने YouTube पे video डाला हुआ है, धड़ाके से लिख सकते हो, ठीक है, large variance, invalid hypothesis testing, ठीक है, एंड वाइडर कॉन्फिडेंस इंटरवल भर भर के।
व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रॉब्लम, हाउ डू यू नो, एक्सप्लेन इट्स कॉन्सिक्वेंस कर दिया, अब इसको ऐसे जीडीपी से डिवाइड कर दिया, विल द ट्रांसफॉर्म सॉल्व द मॉडल, अगर मैंने मॉडल को जीडीपी से डिवाइड कर दिया तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, तो सिर्फ ये बच जाएगा, तो मैं इन दोनों के कोरिलेशन के बीच वजह से तो घबरा रहा था ना, तो जब मैंने इसको इससे डिवाइड ही कर दिया तो मेरा तो कोरिलेशन खत्म हो गया जीडीपी और टीओ का, तो आप क्या लिखोगे, विल द ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व द प्रॉब्लम इन मेंशन इन टू अबव, आंसर इज येस, बिकॉज देयर इज नो जीडीपी, ओनली जीडीपी वेरिएबल इन द एक्सप्लेनेटरी पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड मॉडल, बिकॉज देयर इज नो जीडीपी वेरिएबल इन द एक्सप्लेनेटरी पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्म मॉडल, सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ द कोरिलेशन बिटवीन टीओ एंड जीडीपी. Can you compare the R square between these two models? Answer is clearly no. Iska aur iska R square compare kar sakte hain? Answer is clearly no. Why? Because dependent variable are not into the same form. ठीक है? लिख लीजिए. Okay, बच्चों, fifth के third part में बोला हुआ है कि suppose now the regression is estimated as given below, FDI, TO and this, test whether the regression specific above suffer from first order correlation or not. Which test will you use and why? आप सबको पता है आप इसमें डी टेस्ट यूज करोगे, डर्विन वॉटसन, क्योंकि इंटरसेप्ट दे रखा है हमें, और एफडीआई जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल लैगर्ड के साथ नहीं बना हुआ, तो हम लोग डी टेस्ट यूज करेंगे. आप लोग इसमें बोलोगे हम डर्विन वॉटसन यूज करेंगे. क्यों यूज करेंगे? बिकॉज ये इंटरसेप्ट वाला मॉडल है और इसमें एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जो है वो लैग डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं बना हुआ, इसलिए हम इसमें डी टेस्ट यूज करेंगे पहली बार. अब डी टेस्ट डी वैल्यू दे रखी है, डी एल डी यू यूज करना है. I have the DLDU values with me. So, यहाँ पर K dash जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, number of explanatory variable. ठीक है, 0 DL जो है वो 1.51 है, DU जो है वो 1.65 है, ये 2 हो गया, 4 minus this ये 2.35 आ रहा है, ये 2.49 आ रहा है और ये 4 आ रहा है. ठीक है, जो D value लाई कर रही है, जो डी वैल्यू लाई कर रही है वो इधर लाई कर रही है. ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप रिजेक्ट और डू नॉट रिजेक्ट इजिली कर सकते, रिजेक्ट एच नॉट हो जाएगा, रिजेक्ट एच नॉट. ओके गाइज, तो एच नॉट याद है ना, नो पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन, एच नॉट डॉश क्या डैश क्या होता था, नो नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन. तो रिजेक्ट एच नॉट, जो भी डी वैल्यू इधर कहीं लाई कर रही है, रिजेक्ट एच नॉट का मतलब है देर इज नो एविडेंस ऑफ नो पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन. So there is positive autocorrelation. ठीक है, ठीक है, fine. उसके बाद क्या बोल रहे हैं, if the error obtained from the regression specific in part third above the following high order auto regressive, then how would you test for serial correlation, give the specific. जब AR1 से ज्यादा AR2, AR3, AR4 हो जाता है तो हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, BG टेस्ट. तो BG टेस्ट के सारे स्टेप्स आपको लिख लेना है, BG टेस्ट के सारे, कैसा मॉडल है, उसके बाद याद करो y ऑक्सिलरी बनती है, y जो जो म्यूटी होगा वो इन पे भी डिपेंड करेगा, फिर म्यूटी माइनस वन, म्यूटी माइनस टू, म्यूटी माइनस थ्री, म्यूटी माइनस के तक जाएगा, फिर काई स्क्वायर, जो पूरे स्टेप्स हैं ब्रूस गॉटफ्रे के वो सारे आपने लिखना है. एंड अगला पार्ट भी इजी है बच्चों, व्हाट विल बी दी रेमेडीज फॉर दी प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन इफ डिटेक्टेड, एक्सप्लेन. जो भी रेमेडियल मेजर है ऑटो कोरिलेशन के सारे छाप मारो. ठीक है, पहला ट्रांसफॉर्म करते हैं, फिर वो एस्टिमेट रो करते हैं, रो हैट करते हैं, प्रेस विंसेंट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पूरा लिख मारो, चैप्टर पढ़ाओ ना, तो सवाल यू निपटा दो तुम सारे. ठीक है, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द होम मिनिस्ट्री ऑफ द कंट्री वांट्स टू टेस्ट इफ द पेटी क्राइम आर हायर इन स्टेट वेयर द पॉवर्टी रेट्स आर हाई, दे ऑब्टेन द डेटा ऑन द सेवरल वेरिएबल एंड रैन द फॉलोइंग क्रॉस सेक्शनल रिग्रेशन. क्रॉस सेक्शन हेटरोस्कीडासिटी की पॉसिबिलिटी फॉर 35 इन द कंट्री, सी आई ए मॉडल बना के दे रखा है, इन भाई साहब को हैट लगाना चाहिए था. फाइन, कह रहे अ प्रायरी व्हाट साइन आर एक्सपेक्टेड फॉर द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, एक्सप्लेन योर आंसर. बच्चों, पावर्टी और क्राइम रेट, छोटी मोटी चोरियां, चिंदी चोरी, ठीक है, चेन स्नैचिंग, बटुआ पॉकेट मारना, ये सब की बात कर रहे हैं. ठीक है, छोटे मोटे क्राइम, तो पावर्टी रेट ऑब्वियसली हाई होगा तो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, तो लिख सकते हो कोरिलेशन, सॉरी स्लोप कोएफिशिएंट बिटवीन सी आई एंड पी आर इज पॉजिटिव प्रायरी, बिकॉज इफ द पॉवर्टी रेट्स आर हाई तो क्राइम रेट भी हाई होगा. लिटरेसी रेट जितना ज्यादा हाई होगा, ठीक है, उतना क्राइम कम होंगे, तो दोनों में नेगेटिव कोरिलेशन. अपनी भाषा में प्रायरी पढ़ा रखा होगा या पढ़ा होगा आप लोगों ने, कैसे करना है. स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिपेंड करता है, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर बहुत ज्यादा हाई है तो इनकम बढ़ रही है तो क्राइम कम होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है, इनकम बढ़ रही है तो
फिर भी क्या नाम है, इनकम बढ़ने के बाद भी देर माइट बी अ डिफरेंस बिटवीन दोज, ठीक है, ऐसा नहीं है इस SDP बढ़ रहा तो सबकी इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है, हर एक एम्प्लॉय की भाई वहाँ पे एजुकेशन भी तो मैटर करती है, बहुत सारी चीज़ें भी तो मैटर करती हैं। तो SDP हाई होना डज नॉट नेसेसरली मीन्स कि क्राइम रेट बढ़ जाएंगे, इट कैन बी रिड्यूस ऑल्सो, तो दे मे हैव अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ टाइप ऑफ कोरिलेशन, यू मे राइट इन योर ओन लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद साइन बता दिए, एक्सप्लेन भी कर दिया, अपनी भाषा में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। टेस्ट फॉर ओवरऑल गुडनेस ऑफ फिट एंड द रिग्रेशन, मतलब रो स्क्वायर की टेस्टिंग करनी है, आई हैव द आंसर विथ मी, तो इसलिए मैं आपको रो स्क्वायर की टेस्टिंग बता देता हूँ। रो स्क्वायर 0, ऑल्टरनेटिव में रो स्क्वायर ग्रेटर देन 0, अगर मैं टेस्ट स्टैट्स जाऊँगा तो आर स्क्वायर अपॉन के माइनस 1, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन एन माइनस के, इसकी कैलकुलेशन मेरे पास आ रही है, मतलब जिस स्टूडेंट ने कैलकुलेशन की है इतनी आ रही है, और क्रिटिकल वैल्यू F.05,3,31 विच इज 2.9223, और ये इतना आ रहा है, तो एच नॉट रिजेक्ट हो रहा है, मॉडल सिग्निफिकेंट हो गया ओवरऑल मॉडल, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट पे आते हैं, अनदर मॉडल लॉग लॉग टाइप मॉडल बना दिया, इंटरप्रेट द कोफिशिएंट ऑफ लॉग SDP, इसको इंटरप्रेट करने को बोला है बस, इसने कर देते हैं जी। लॉग लॉग में कैसे इंटरप्रेट करते हैं, व्हेन SDP इंक्रीजेस बाय 1% देन मीन प्रेडिक्टेड कंजम्पशन इंक्रीजेस बाय 0.09921%, ठीक है। उसके बाद हाउ विल यू कंडक्ट द मैकेनन वाइट डिवीजन टेस्ट टू सेलेक्ट विच मॉडल इज बेटर, राइट ऑल स्टेप्स क्लियरली, पूरे के पूरे आपको MW टेस्ट के सारे पॉइंट्स लिखने हैं, ऑल द पॉइंट्स यू नीड टू राइट, नथिंग एल्स, कुछ खास नहीं है बच्चों, सारे के सारे पॉइंट्स, जैसे वो लॉग लॉग और नॉर्मल मॉडल के बीच में आप उसे लॉग में कन्वर्ट कर लेते हो, मतलब आई होप यू हैव डन द MWD टेस्ट जिसमें सारे स्टेप्स आपको लिखने हैं, ठीक है। लीनियर मॉडल, फिर उसके बाद वाया हैट आता है, मतलब आई होप आप लोगों ने पढ़ा, क्योंकि इस क्वेश्चन से रिलेशन नहीं है, आपको स्टेप्स लिखने हैं उसके, बस और कुछ नहीं, फाइन। बी पार्ट पे आते हैं इसके बाद, ओके गाइस, अगला पार्ट ना बिल्कुल पिछले से लेना देना उसका कुछ है नहीं, आपको रिग्रेशन इक्वेशन दे रखी है उसी में ही, क्या नाम है, क्राइम रेट में और LR में एक नेगेटिव कोरिलेशन है, क्रॉस सेक्शनल बोला हुआ है, N50 है, और पहले सेपरेटेड रिग्रेशन बेसिकली टू चेक फॉर दी हेट्रोस्केडेसिटी रिलेटेड टू LR, सेपरेट रिग्रेशन वर रन फॉर 617 स्टेट विद द लोएस्ट LR एंड 17 स्टेट विद द हाइएस्ट LR, तो रिग्रेशन मॉडल टेस्ट किया गया, RSS निकाले गए, लो वाले का इतना है, हाई वाले का इतना है, दोनों के RSS निकाले गए। उसके बाद कह रहा है कंप्यूट द अनबायस एस्टिमेट ऑफ द वेरियंस ऑफ द एरर टर्म इन टू सब सैंपल, तो अनबायस एस्टिमेट अगर सिग्मा 1 हैट स्क्वायर निकालेंगे तो RSS 1 अपॉन में N1 1 माइनस K हो जाएगा, और सिग्मा 2 हैट स्क्वायर निकालेंगे तो RSS 2 अपॉन N2 माइनस K हो जाएगा। RSS 1 इज गिवन टू अस 270 दे रखा है, ठीक है, N50 दे रखा है आई बिलीव, एक बारी चेक कर लेते हैं, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हो जाएगी बेसिकली N चेक करते हैं, N कितना है 50 क्रॉस सेक्शन, अर्थात 17 और 17 34, पहले 17 का अलग अगले 17 का अलग, तो RSS 1 अपॉन में N1 माइनस के 270 अपॉन में 17 माइनस 2, ये आ रहा है 18, ये आ गया सिग्मा 1 हैट स्क्वायर, सिमिलरली सिग्मा 2 हैट स्क्वायर आ जाएगा 90 अपॉन में 17 माइनस 2 6 आ गया, ठीक है, 18 और 6 आ रहा है। कह रहा है कंडक्ट दी गोल्ड फ्लैट क्वांट टेस्ट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो गोल्ड फ्लैट क्वांट टेस्ट करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, आप सबको पता है एच नॉट में ले क्या लेते हैं, होमोस्केडेसिटी, एच ए में क्या लेते हैं, हेट्रोस्केडेसिटी, ठीक है। उसके बाद टेस्ट करने के लिए वी नीड RSS, एच नॉट में होमोस्केडेसिटी, एच ए में हेट्रोस्केडेसिटी, और एफ होता है इसमें जो बड़ा वाला RSS है बेसिकली वो आ जाएगा, तो RSS 1 अपॉन में DOF, RSS 2 अपॉन में DOF, ठीक है, तो 18/6 हो जाएगा, ये हमारे पास 3 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इसकी जो क्रिटिकल वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी F.05 कॉमा में 15.15 जो कि आ रहा है 2.40, ये आ रहा है 3, इधर आ रहा है, एच नॉट रिजेक्ट हो रहा है,
यानी हेट्रोस्केडेसिटी है मॉडल में, ठीक है, फाइन, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। थर्ड पार्ट इजी है, रिगार्डलेस ऑफ योर कंक्लूजन फॉर पार्ट टू, सपोज यू बिलीव दैट हेट्रोस्केडेसिटी इज इंडीड प्रेजेंट एंड दैट द वेरियंस ऑफ द एरर टर्म इज वाई अपॉन में एल आर आई, ये दे रखा है, सॉरी एन अननोन कॉन्स्टेंट गामा अपॉन में एल आर आई, ठीक है, तो गामा अपॉन एल आर आई दे रखा है, आप लोगों ने क्या करना है, बेसिकली ट्रांसफॉर्म करना है मॉडल को। तो अगर मॉडल को ट्रांसफॉर्म करने लगे, एल आर म्यू आई, जो वेरियंस दे रखा है ई आई का स्कोप, इसको एक काम करो हैट मान लो और इसे ई आई ले लो, ठीक है, वेरियंस ऑफ ई आई जो दे रखा है दिस अपॉन में एल आर दे रखा है, ठीक है, तो ये तो कॉन्स्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो इसके स्क्वायर रूट से डिवाइड कर देंगे ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ठीक है, फाइन। नाउ इसे सी आई स्टार दे दो, इसे बीटा वन हैट एल आर आई दे दो, ये ऊपर आएगा बीटा टू हैट एल आर आई की पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है, और ये बेसिकली ई आई इंटू रूट एल आर आई हो जाएगा। सो इसको मैं लेट अस सपोज सम अल्फा आई मान लेता हूं, और वेरियंस ऑफ अल्फा आई का मतलब क्या होगा, वेरियंस ऑफ ई आई इंटू में दिस, ये बाहर आएगा एल आर आई, वेरियंस ऑफ ई आई, वेरियंस ऑफ ई आई है क्या गामा अपॉन में एल आर आई, कैंसल हो गया, हेंस वेरियंस ऑफ, आप इसके बाद लिखोगे हेंस वेरियंस ऑफ एरर टर्म इज कॉन्स्टेंट, हेट्रोस्केडेसिटी रिमूव्ड, दैट्स ऑल, ठीक है। ओके गाइस, लास्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन, कह रहा है द एस्टिमेटेड इक्वेशन फॉर द सेल्स ऑफ टीवी इज एज गिवन बिलो, सेल्स प्राइस एडवर्टीजमेंट, इज द स्लोप कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस स्टैटिस्टिकली डिफरेंट फ्रॉम वन, टेस्ट एट अल्फा इक्वल टू 2%, ध्यान रखना अल्फा पेपर में चेक कर लेना कहीं 5% निपटा के आ गए, ठीक है। सो प्राइस का चेक करना है तो एच नॉट पे बीटा टू 1 और बीटा टू लेस देन 1 लेना, नॉट इक्वल टू 1 मत लेना, बिकॉज इनवर्स रिलेशन होता है ना बेसिकली प्राइस और डिमांड में, इसलिए तो लेस देन 1 ले लेना, ठीक है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इसकी निकालोगे, टी बीटा टू हैट माइनस बीटा टू अपॉन में स्टैंडर्ड एरर, तो बीटा टू हैट कितना है -7.908, ये 1 है, स्टैंडर्ड एरर है 1.096, कैलकुलेशन आ रही है मेरे पास -8.127, ठीक है, उसके बाद क्रिटिकल वैल्यू हो जाएगी T.02 एन 30 है, 30 माइनस में 3 27 जो कि है 2.473, लेफ्ट टेल टेस्ट है, ये वाली वैल्यू इधर कहीं लाई कर रही तो एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा, इट मींस इट इज डिफरेंट फ्रॉम 1, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ सेल्स विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस इफ एवरेज सेल्स रेवेन्यू 300 एंड एवरेज प्राइस इज दिस, ठीक है, इलास्टिसिटी निकालनी है बच्चों, तो इलास्टिसिटी ऑफ सेल्स विद रिस्पेक्ट टू प्राइस क्या होगा, प्राइस अपॉन में सेल्स इनटू में डेरिवेटिव ऑफ सेल्स विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, तो प्राइस अपॉन में सेल्स डेरिवेटिव आ रहा है -7.908, ठीक है, आप लोग चाहो तो माइनस इग्नोर भी कर सकते हो एब्सोल्यूट फॉर्म में, बाकी पी और सेल्स की जगह पी बार और सेल्स बार डाल दोगे जो कि कितना है तुम्हारे पास 100 एंड 300, तो 100 अपॉन में 300 इंटू -7.908 द कैलकुलेशन कमिंग -2.636, ठीक है, फाइन। बच्चों पी की जगह पी बार, सेल्स की जगह सेल्स बार डाल सकते हैं ना, क्योंकि
अर्थमेटिक मीन रिग्रेशन इक्वेशन को होल्ड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, हाउ वुड यू टेस्ट द इंक्रीज इन द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज इन द सेल्स एवेन्यू सफिशिएंट टू कवर द इंक्रीज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, क्लियरली स्टेट द नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव। मतलब एडवर्टाइजमेंट वाले पार्ट को टेस्ट करना है, बीटा थ्री को टेस्ट करना है। तो एच नॉट में बीटा थ्री जीरो, ऑल्टरनेटिव में ठीक है, टेस्ट स्टैट्स इसकी बीटा थ्री हैट माइनस बीटा थ्री अपॉन में स्टैंडर्ड एरर, वी हैव ऑल दी वैल्यूज विथ मी, 1.863 माइनस 0.683 जो कि आ रहा है 2.727, बच्चों कर लेना कैलकुलेट। और क्रिटिकल वैल्यू जो टी आ रही है टी 0.05.27 जो कि आ रही है 1.703, ये इधर लाई कर रहा है, एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा, इट मींस एडवर्टाइजमेंट बढ़ने पे सेल्स बढ़ेगी, ठीक है। वर्ड लिखना ना ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल एविडेंस, फाइन। एस्टिमेट द सेल्स रेवेन्यू फॉर प्राइस ऑफ ₹6 एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 1200। सेल्स रेवेन्यू निकालनी है तो आपने क्या करना है बच्चों, प्राइस की जगह 6 डालना है और एडवर्टाइजमेंट की जगह 1200 डालना है। तो इधर इधर प्राइस की जगह 6, इसकी जगह 1200, तो इसका आंसर जो आ रहा है मेरे पास 73.6976। फाइन, आई होप क्लियर हो सबको। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने किया ही होगा, जिस जिसने फंक्शन फॉर्म पढ़ा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिग्रेशन इक्वेशन वेयर एज बीटा वन जो भी पर साइन दे रखा है फॉलोस का, वो ओएलएस एस्टिमेटर है, वैल्यू निकालनी है, वेरियंस निकालना है, वेरीफाई करना है अनबाइस्ड, कर देता हूँ मैं, वरना कुछ लोगों लगेगा सर को लगाया हमने सब आता। देखो ये मॉडल है, ठीक है, ओएलएस लगा लो, समीशन ईआई स्क्वायर, फाइन, वाया हैट क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू बीटा वन हैट, सबको पता होगा यार ओएलएस, ये बड़ी आसान सी चीज है, इक्वेट करेंगे जीरो के, एक सेकेंड, बीटा वन के रिस्पेक्ट में किया है ना तो ये एक्स आई आएगा, बच जाएगा समीशन एक्स आई वाई आई, माइनस बाहर चले जाएगा, दो उधर चले जाएगा, बीटा वन हैट समीशन एक्स आई, तो बीटा वन हैट का फॉर्मूला आ गया गाइस, समीशन कैपिटल एक्स आई वाई आई अपॉन समीशन एक्स आई स्क्वायर। उसके बाद इसे अनबाइज भी दिखाना है और वेरियंस भी निकालना है, आराम से निकाल लो, देखो कैसे, याद करो इसको के आई मान लो, लेट के आई इक्वल टू कैपिटल एक्स आई अपॉन समीशन एक्स आई स्क्वायर, सो बीटा वन हैट हो गया समीशन के आई वाई आई, बच्चों ये तो मैं थक चुका हूँ करा करा के, और आप लोग भी, इसको लिख सकते हैं बीटा टू एक्स आई प्लस में म्यू आई बीटा वन एक्स आई, बीटा वन बाहर समीशन के आई एक्स आई प्लस समीशन के आई म्यू आई, समीशन के आई एक्स आई वन होता है, आप के आई की वैल्यू ये डालो कट जाएगा वन आ जाएगा, ये बीटा वन हैट आ गया, एक्सपेक्टेशन ले लीजिए ये बीटा वन हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू आई जीरो होता है, अनबाइज्ड हो गया, हाँ जी हो गया। आगे बढ़े, वेरियंस निकालेंगे, के आई स्क्वायर बाहर आएगा, वेरियंस ऑफ बीटा वन जीरो होता है, के आई स्क्वायर ये सिग्मा स्क्वायर, के आई क्या है एक्स आई अपॉन समीशन एक्स आई स्क्वायर, ये कैंसिल,
आंसर, ठीक है। सो फ्रॉम माई साइड 2022 का पेपर इज डन। मेरे से कोई भी गलती हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। प्लीज पेपर फॉलो कीजिए। इफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच। नमस्कार। बाय बाय।